अब यहाँ से चढ़ाई शुरू करनी है। जोर से बोलो जय माता दी। मैं नहीं सोया, मैं टूट गया। मुझे लगा हम पहुँच गए यार, मैं तो थक गई। तो अब हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे, एक स्पीड में चलेंगे। माता रानी मुझे कह रही है घोड़े पे, मुझे भी कुछ ऐसे ही बोल रही थी। मेरे को चीकू को और गोलू को घोड़ा करा दिया है। क्या हुआ, उनका घोड़ा ढीर था, वो उनको नीचे ले गया। बहुत प्यार करते हैं गाइस, पापा की पापड़ी बन गई है। तो बहुत ज्यादा थक गए हैं भाई। तो हम सबसे पहले पहुंच गए, एक मिनट भी नहीं सोया। तो गलती है तो माफ करियो माता रानी, शर्म आनी चाहिए मेरे को। कैसे हैं आप सब, होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो हम लोग सब यहाँ रेडी हो चुके हैं देखो, और सब निकलने के लिए तैयार है। सिर्फ दो मेंबर नहीं, चार मेंबर मिसिंग है जो अभी तक नीचे नहीं आए, उनका वेट कर रहे हैं हम सब। गुड्डू ठंड मैं लेके आई थी आपके लिए, थैंक यू बोलो। जुगाड़ पहना ना उससे तो ठंड मेरे पास ही नहीं आ सकती। गोलू ठंड, मैंने अंदर इतने वार्मर पहने हुए ना, दो दो वार्मर पहने, अंदर लोअर वार्मर थे वो भी पहना हुआ है, मैंने साथ में जैकेट भी कैरी करी है, कैप भी कैरी करी है, बस एक दस्ताने नहीं है। तुम लोगों ने पहना अंदर वार्मर? वार्मर पहना है भैया? तो गाइस मैंने खुद ने भी वार्मर पहना है। यहाँ पे हमारे पति ना इतने प्यारे कि अपने ग्लव्स निकाल के ना गोलू को दे रहे। लू इसको फैशन की बड़ी है, हैं गुड्डू आप इसकी चिंता कर रहे हो, इसको फैशन की बड़ी है लू। जब तुम किसी की चिंता करते हो ना तो सामने वाले को लगता है कि नखरे। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही लग रहा है मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। अपने निकाल के तेरे को पहना दिए कि तुझे ठंड ना लगे। ऊपर पता अभी कपड़े पहने, मैं कहा तेरी यही गिग्गी बन गई, ऊपर जाके क्या होगा तेरा, कह रही बहुत ठंड लग रही है। तो गाइस यहाँ पे हमारे ऑटो आ चुके हैं, तो बस अब तैयारी हो रही है। देखो ऑटो एक के बाद एक आ रहे हैं, छह ऑटो मंगाए हमने क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, तो निकलते हैं, बैठते हैं एक ऑटो करके निकलते हैं आगे। हाँ और मैं सोच रही हूँ कि ना पहुंचते ही ना अपनी जो कैप है ना लगा लूं, क्योंकि ना ठंड हो रही है स्टार्ट। और चीकू पापा ने तो पीछे पूरा मफलर करके अपने आप को कवर कर लिया, दिखाना बैक कैमरा करके है, फुल कवर है ये देखो। यहाँ पे सारे हाय कर रहे हैं, हेलो जयकारा शेर वाली दा बोल साची दरबार की जय। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया, तो मैं सोच रही हूँ जो चुन्नी है ना ये है उसकी टिश्यू क्यों मैं संभाल नहीं पा रही, तो चुन्नी को मैं लपेट के रख रही हूँ वापस बैग के अंदर, और इसकी जगह ले रही हूँ शॉल और साथ में लूंगी कैप। बोलो चल सूट के साथ। तो क्या चप्पल पहन के चलती भैया? हमको सबने बोला कि जूते पहने, इसलिए हमने जूते पहने। ये कह रहे हैं शूज के साथ कौन पहनता है स्पोर्ट्स शूज, सॉरी शूज के साथ स्पोर्ट्स शूज, मैं थोड़ा उल्टा हूँ। चल ये मेरा खून पीती रहेगी क्या? जब तक तेरी टोपी नहीं दूंगी तुम खून पीती रहेगी। ले हाँ मैं बहुत खून पीती हूँ उसका। अच्छा ये इसकी जरूरत भी पड़ेगी। हाँ तुम्हारी टोपी? टोपी नहीं मैं लूंगी अभी। अच्छा इनको भी लेनी है टोपी? हाँ मैं ले लूंगी, रास्ते में वहाँ पे मिल जाएगी। हाँ मेरे को ग्लव्स भी लेनी है, मेरे ग्लव्स भी नहीं लाई तू तो। मिले नहीं अभी ले लेंगे, पूरे जिले पूरी ढूंढती लगी मेरे पास मिले, तितली बना रखी है मैंने। तो यहाँ पे ना चीकू को बिठा लिया मम्मी ने गोदी के अंदर, गोदी के ऊपर। हाँ हाँ गोदी के ऊपर। अभी मैं ग्लव्स ढूंढती हूँ, मेरे वाले ग्लव्स भी नहीं मिल रहे मुझे। हमने एक्स्ट्रा सॉक्स भी रखी है तीन जोड़ी, किसी और को चाहिए और किसी को, वो भी लिया हमने। ग्लव्स चीकू वाले कहाँ है भाई मेरे पास? मम्मा मेरे बैग में वो सारे। तेरा वाला भी है? हाँ मेरे वाले बैग में सारे मेरे हैं। हाँ तो मुझे दे दियो फिर एक जोड़ी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना वैसे वैसे हमें ठंड लगने लगती है। और फिर हम क्या करेंगे? फिर हम स्वेटर निकाल लेंगे। अंकल गाड़ी पकाओ यार। बेटा सीधा ऊपर ही जाना है ना, कहीं और नहीं जाना है ना? नहीं बाबू ज्यादा ऊपर भी नहीं जाना है। ओवरटेक कौन ओवरटेक कर रहा है? वो सामने वाला है। बेटा करने दो उनको, ज्यादा जल्दी होगी हमें जल्दी नहीं है, हम आराम से जाएंगे बेटा। तो गाइस एक बजने में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट बाकी है और हम निकल चुके हैं। हमने बोला था कि 2 बजे चढ़ाई शुरू करेंगे, बट तो सही है ना? सही है, हम टाइम से निकल गए। मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोई, ये लड़के ने सोने नहीं दिया, कभी करवट इधर कभी करवट इधर, और मेरे हाथ की भी रस होता नहीं है, हाथ के ऊपर सर रख रहा है कभी इधर हिल रहा है कभी इधर हिल रहा है, मेरी दिन तो ही नहीं। अब मैं आने के बाद ही सुनूंगी। पहुंच गए हम, आ जाओ भाई अब यहाँ से चढ़ाई शुरू करनी है। तो सामने शुरुआत है, माता रानी का दरबार है जहाँ से हमने चढ़ाई शुरू करनी है। तो मैंने तो भाई अपनी जो टिश्ती है ना नीचे कर ली, मैंने होटल से निकली थी ना, सुनो मैं होटल से निकली थी ना स्टाइल मार के निकली थी कि वहाँ जाके ना इतना भैया रुको पता नहीं चढ़ाई करनी है क्या हो गया, मुझे लगा बैग चला गया ऑटो में। नहीं 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 भाई ये रहा, ठीक है देख लिया मैंने। भाई मेरा फोन किसके पास है? तो भाई एक बहुत ही प्यारी सी चाय पिलाऊंगा और उसके बाद सीधा वैष्णो देवी, ठीक है चले चलो। रास्ते से कुछ सामान मिलेंगे, पायल ग्लव्स का मिलेंगे। अभी तक चढ़ाई भी शुरू नहीं हो, तेरी ग्लव्स की आग लग रही, ठंड लग रही है तेरी ठंड। पायल एक उंगली खा ली है, एक में दो बता रखे है, ये तेरे को बना रही हूँ क्या आप? ये ठीक है, जय माता दी, जय माता, आपको नहीं चाहिए? गुड़ बांधो जोर से बोलो जय माता दी। मैं नहीं सुने जय माता दी। आगे वाले जय माता दी, पीछे वाले हो रही जय जय कार मंदिर।
हमें अलग से भेज दिया, कह रहे लेडीज अलग जाओ जेंट्स अलग जाओ। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, तो ये महिलाओं का फाटक है जाने का, तो महिलाएं तो हम दो महिलाएं आगे हैं, एक नहीं एक महिला आगे है, दो महिलाएं पीछे हैं, बाकी महिलाएं दिख नहीं रही है। अच्छा ये रही एक एक करके आ रही है सारी, तो हम सबसे पहले पहुंच गए। तो यहाँ पे सब अपना जो सामान का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे चेकिंग हो रही है सामान की। ये रे आपके ग्लव्स हमने रखवा दिए थे भैया के पास। पता है क्या, ये ना इनकी आदत है, चीजें ना भूल जाते हैं। जैसे इन्होंने इट्स ओके, इन्होंने मुझे ग्लव्स उतार के दिए और बोल रहे गोलू तेरे पास है। मैं कह रही हूँ मैंने आपको फोटो क्लिक कराते दिए थे। चल कोई नहीं, माफ चल मुझे तो लेने ग्लव्स, चल ग्लव्स लेते आजा फैंसी वाले। तो गाइस फाइनली ग्लव्स मिल गए हैं, और बस देखो काम आए तो ये वाले ग्लव्स आए, और किन की कीमत जानोगे ना तो हैरान हो जाओगे। मात्र 150 रुपए के ग्लव्स मिले। चलो ये वो कहते हैं ना महंगा रोए बार बार, ये सस्ता एक बार, ये सही बात है, सस्ता रहे एक बार 150 रुपए में बहुत अच्छा है, सस्ते वाली सही साबित होती है। तो गाइस ग्लव्स व्लव्स लेके अपना शॉल वॉल लेके हम हो गए बिल्कुल रेडी, और बस निकल रहे हैं ऊपर। एक बार जयकारा लगाते हैं, जयकारा शेरवालिदा बोल साचे दरबार की जय। तो अपनी हमारी जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो मैं नहीं सुनिया दिल का टूट गया, सारे बोलो आगे वाले जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जोर से बोलो जय माता दी। कितना चले हम, कितना 12 किलोमीटर रह गया, सिर्फ 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर और रह गया। मुझे लगा हम पहुंच गए यार, मैं तो थक गई, प्यास लग रही है, क्योंकि ना क्या ना हम लोग घर पे रहते ना चढ़ते नहीं है, चलते नहीं है कहीं, पापा बोलेंगे चलते चलते हाँ पानी लूंगी। तो गाइस बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसे चलते जाएंगे और माता रानी के दरबार में पहुँच जाएंगे। थक गया कहता, मैं तो बैग भी लेके चलूंगा, ये भी लेके चलूंगा, वो भी अभी से सिटी पिटी गुल। बेटा आधा किलोमीटर तो चलने कम से कम, नहीं आधा किलोमीटर तो चलो, इतना तो रूल होता है। ये दरबारा वाली चलो साथ चलो चलो, हाँ सारे हमारे साथ सफर करेंगे। हेलो चिकू, चलो जी बेटा इसको ज्यादा दिक्कत आएगी ना, कैंची से काट दूंगी। अच्छा जय माता दी, 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 सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हेलो हेलो, मैं आपकी बहुत वीडियो देखती हूँ। थैंक यू, मेरी सिस्टर इन लॉ तो बिल्कुल पागल है आप दोनों की हर रोज। थैंक यू थैंक यू। तो अभी अभी ना ट्रिक मिली, भैया ने हमें एक ट्रिक दी है, विजेंद्र भैया ने, के बिल्कुल रुको मत भाभी, एक स्पीड में चलते रहोगे ना थकोगे भी नहीं और सफर भी कट जाएगा। तो अब हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे, एक स्पीड में चलेंगे। ग्लव्स व्लव्स उतर रहे हैं, मेरे भी उतर गए, गर्मी आने लग गई भाई, ग्लव्स उतार दिया, थोड़ी देर में शॉल उतर जाएगा। मेरे ख्याल से चुप उतर रहा है, देखो थोड़ी सांस आया, हवा सी आई, बहुत गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है। और हम तो भैया दो दो वार्मर पहन गए हैं अंदर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक वार्मर, नीचे पजामे गरम, और ये तो तीन वार्मर पहनने के लिए कह रही थी, कह रही एक और पहन लेते हैं। मैं पगली मरवाएगी, चुकर मैंने इसकी नहीं सुनी, लग रहा है घोड़े पे। तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि चीकू के पापा ना उन्होंने घोड़ा पकड़ लिया लग रहा है, चीकू के साथ, क्योंकि अकेला बच्चा नहीं छोड़ सकते ना, तो चीकू के पापा शायद चीकू के साथ आ रहे हैं घोड़े पे। कोई नहीं, उसकी दोनों माँ और हमारे आदमी की पत्नी है दोनों, और चल रही है। 1:30 बज गए हमने, ये सब मैंने 1:45 बजे हमने ऑटो में थे, और 1:30 बज गए हम शायद 2 किलोमीटर चल चुके हैं। नहीं नहीं पागल है तू, तो 2 किलोमीटर चढ़े सूरत में बताएंगे मैं कितने चढ़े हैं। ये क्यों होगा, 1 किलोमीटर कभी भैया कभी चली नहीं मैं ऐसे किलोमीटर, आज पहली बार पता लगेगा किलोमीटर कितना होता है। बीच बीच में बातें करते चलूँ ना, जय माता दी करते जाओ, भगवान की आरती करते रहो, नाम लेते रहो, तो पता नहीं चलेगा सफर का। भैया ने बोला जितना बोलोगे ना उतनी थकान ज्यादा होगी, तो चुप रहे अंदर अंदर मन में, मन में जा, तो साइलेंट ब्लॉक कैसे बनाऊ, मिनी ब्लॉक, मिनी ब्लॉक, मिनी ब्लॉक बनाओ। अरे हमारे तीन बंदे तो ये जा रहे हैं आगे, मेरा खतरा सब क्या है, हमारे तो है थक गए हो गई। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, तुम्हें देख के हम भी बैठ जाएंगे। नहीं नहीं चल चल चल, हम आगे मिलेंगे, आगे बैठे मिलेंगे हम। बुलावा आयो है, क्या हुआ, सुबह 8 बजे से आए आपके। अच्छा अच्छा, हेलो, तो हो गया आपके दर्शन हो गए। एक्चुअली हमें पता चला कि लखनीत ने लेकिन अरमान भैया ब्लॉग डाल रहे थे, तो उनसे ही मुझे पता चला कि आप लेट हो जाओगे, वरना मैं 7 बजे की जम्मू पहुंची, जम्मू से यहाँ आई। अच्छा अच्छा, मुझे मेरी बेटी को ही मिलना था, आपकी इतनी बड़ी फैन है। थैंक यू,
एक पिक। आज बेटा पायल को लगा कि मैं घोड़े पे आ रहा हूँ। चीकू आ रहा था घोड़े पे और घोड़ा कह रहा भाई चीकू तू पैदल जा, तुझे पैदल बोला था। पर क्या ना बच्चा है, माँ बाप बच्चे की जिद पूरी कर देते हैं, पर हम माता रानी शक्ति मांग रहे हैं कि भाई हमें ऊपर तक पहुँचने की शक्ति दे। तो गाड़ी की स्लो जो है ना वो धीमी हो गई रफ्तार। स्पीड जोर से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, सारे बोलो। पायल को मैं कह रहा हूँ घोड़ा कर ले, पता लगे रास्ते में आते हुए बीमार हो जाए। है? नहीं नहीं अभी अभी जब तक चल पाऊंगी तब तक चल पाऊंगी, उसके बाद जब नहीं चल पाऊंगी तो बोल दूंगी। गोलू भाई को कह दी कि पायल तू टेंशन मत ले, तू आते हुए हेलीकॉप्टर में आ जाइयो, मैं आना जाना ना पैदल ही करूंगी। येरी पीछे येरी। मैं पीछे ही हूँ बिल्कुल। हाँ? ज्यादा नहीं बोल रही क्योंकि एनर्जी थोड़ी ना बचा के रख रही हूँ, ज्यादा बोलूंगी तो साथ चलेगा, पर इनके साथ चल रही, पीछे नहीं देखो साथ साथ चल रही। क्या बोलू मैं थक गई। अरे ओहो नहीं नहीं जी, इन्होंने मेरे लिए बोला गोलू बैठ जा, ठीक है बैठ जाती हूँ। माता रानी मुझे कह रही घोड़े पे, मुझे भी कुछ ऐसे ही बोल रही थी। अभी अभी रास्ते में मेरे को सपना आया कि बोलू टेंशन फ्री आ, अपने बिंदास जैसे देखो आना बेटा। चीको स्ट्रिंग गिर गई मेरा नीचे, कौन सा घर पे काम कर लेते। पानी देना पानी, पानी भी पानी, ये बेल्ट लगा रहे हैं। हाँ और ये हमारे साथ ही आए, हमारे ग्रुप के ही है, झूठ थोड़ी बोलेंगे हमें। तो गाइस हमारे जो साथी है हमें बैठना है सबको, है तो अभी हम इनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, अभी आपके साथ पीछे पीछे आ रही है। बैठाओ भाई बैठाओ, जय माता दी। चलो बैठाओ भाई, यहाँ से शुरुआत होती है भाई दर्शन की, पहले यहाँ पे दर्शन होंगे उसके बाद आगे दर्शन। तो ये है चरण पादुका, तो यहाँ पे माता रानी के चरण निवास हुए थे, तो सबसे पहले सोचा कि यहाँ पे मत्था टेकते हैं, फिर अपनी आगे की जो जर्नी है यात्रा है वो प्रारंभ करते हैं। चिकू डंडा बाहर रखो बेटा। ये सामने माता जी के चरणों के दर्शन हैं। ये चरण उस वक्त के हैं जब भैरव ने माता जी का पीछा किया था श्रीधर के भंडारे से, तो इस स्थान से मुड़कर माता ने पीछे देखा था भैरवनाथ को। अच्छा, तब से चरणों के चिन्ह इतने हैं जहां माता अंतर्जान हो गई थी। अच्छा, इसके बाद अर्धकुंवारी गर्भजून है जहां माता 9 महीने तक रही गुफा में रही थी, गुफा में रही है। उसके बाद भवन है पिंडियों के रूप में दर्शन। ये 3 स्थान मेन पड़ेंगे रास्ते में, माता के चरण, उसके बाद अर्धकुंवारी गर्भजून, उसके बाद भवन। जय माता जयकारे, बोल साचे दरबार की जय। मैया तेरी आरती बनावा। तो भाई फाइनली हम भी घोड़े पे बैठ गए हैं क्योंकि हमने सोचा है कि हमारी जो टीम जो हमारे साथ आए ना साथी, वो बहुत पहले पहुंच जाएंगे और हम पहुंच नहीं पाएंगे, तो इसलिए चीकू के पापा ने मेरे को, चीकू को और गोलू को घोड़ा करा दिया है। और जो घोड़ा है ना बहुत भाग रहा है। चीकू तेरा भी भाग रहा है भाई, मेरा भी भाग रहा है भाई। तो भाई गोलू पीछे डर रही है, गोलू कह रही है मैं पहली बार बैठी हूँ, मैं जितनी बार भी आई हूँ ना मैं पैदल चली हूँ, 7 से 8 बार वो आई हूँ पैदल चली हूँ, पहली बार घोड़े पे बैठी है, मुझे डर लग रहा है और पीछे ही है मेरे बिल्कुल। हमारे साथ ही देखो आगे आगे भाग रहे हैं, तू पीछे रह गए भाई, सारे आगे चल रहे हैं। तो भाई भैया मेरा घोड़ा भगा रहे थे, मैंने कहा भैया बिल्कुल आराम से ले चलो, मुझे लगता है डर, मैं नहीं भाग सकती भाई, जिसको भागना है वो भागते रहे, मुझे तो धीरे धीरे चलना है। तो यहाँ पे देखो केशव, अरे भैया इतनी जोर से मत भगाना भैया, आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं है, जाल तो इतना बड़ा नहीं है। तो गाइस सबसे पीछे रह गई हूँ मैं, क्योंकि जो मेरा घोड़ा है ना वो स्पीड में चल रहा था, मुझे लग रहा था बहुत तेज कटर, मैंने कहा भैया फटाफट से पकड़ो, तो भैया ने इसकी स्पीड जैसे कम करी ना तो घोड़ा रुक गया, क्योंकि ना घोड़े अपने बाकी दोस्तों के साथ चल रहा था। तो अभी पायल चीकू सारे निकल गया आगे, केशव भैया मैं रह गई हूँ पीछे अकेले घोड़े पे, क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत ज्यादा डर लग रहा है। गोलू रह गई पीछे ना, बहुत पीछे रह गई, गोलू डर रही है गाइस। तो यहाँ पर ना मेरे जो पायल और चीकू है ना, मुझे डर लग रहा है, नहीं पैदल नहीं आऊंगी, मेरा घोड़ा बहुत तेज भाग रहा था, मैंने कहा भैया धीरे चलवाओ, घोड़ा भी इतना है तेरे हिसाब से दिया हमने, घोड़ा तेरे हिसाब से दिया हमने, देखो अरे भैया। तो यहाँ पर ना हम लोग अपने घोड़े से नीचे उतर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स मिले थे। हेलो जय माता दी, जय माता दी। तो ये लोग हमें पीछे से फॉलो कर रहे थे और हम लोगों ने जैसे बताया था कि हम लोग माता रानी की चढ़ाई करने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग मिले हमें, तो इसलिए हम उतर गए घोड़े से नीचे। ये कि उस पे आ रहे के पैदल आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, इन्होंने हमें घोड़े पे बिठा दिया। तो जतिन भाई ऊपर आने की पूरी तैयारी में, 163 सीढ़ी चढ़ी हैं, तो वर्कआउट कब से शुरू कर रहे हो? करना पड़ेगा घर जाती है ना वीर, तुम बड़े चढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। तो भाई पसीना आ रहा है, 163 सीढ़ी चढ़ गए हैं ऊपर, और उसके साथ साथ हमारे फोन का माइक टूट गया। तो जतिन भाई के बुढ़ापे को देखते हुए हम उनके लिए घोड़ा मंगवा रहे हैं, घोड़ा मंगवाया जाए, घोड़ा मंगवाओ भाई। नहीं नहीं भाई अपना पैदल ठीक है। तो यहाँ पे भैया जतिन भाई को बिठा रहे हैं घोड़े पे, आ जाओ जतिन भाई, शर्मा मत आ जाओ, घोड़ा भी कह रहा है मजबूत आदमी चाहिए इसको भी, जल्दी आओ।
हाँ कोई बात नहीं भैया, माता कह रही घोड़े पे आना पड़ेगा तुम्हें, बैठो। काम करो सारे बैग जतिन भाई को दे दो। सूरज तुझे पीछे बिठा दो जतिन भाई के। क्यों? मैं पैदल चलूंगा उनके साथ। तो भाई हमने अपना फायदा देखा, हमने अपना सामान इनको दे दिया। तुम गोलू पाल को पकड़ो आगे, चलो तुम ध्यान रखना, घोड़े को परेशान मत करना। तो गाइस बीच में हम लोग उतर गए थे क्योंकि हमारे बहुत प्यारे प्यारे फैंस मिल गए थे, तो उनके साथ फोटो वोटो कराई, बात बात करी, वापस से बैठ गए। और गोलू जो है ना बहुत ज्यादा डर रही है। गोलू क्या कर रही है? तू डर रही है बेटा, चल जल्दी आ जा। चलो 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 बेटा, चलो चलो चीकू। चीकू का घोड़ा जो है ना सबसे ज्यादा तंदुरुस्त है, भगवान करे हमेशा तंदुरुस्त रहे। तो गाइस बीच में हमें रोक लिया था, हमें मतलब हम जिनके साथ जा रहे हैं, जो हमें घोड़े पे लेके जा रहे हैं, उनकी आईडीज वगैरह चेक कर रहे थे। और ये बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ का बहुत अच्छा रूल है। उन्होंने हमें से पूछा कि आपने लिया? मैंने कहा हमने नहीं लिया है। कह रहे आपको पता होना चाहिए ना आप किसके साथ ऊपर जा रहे हैं। तो मैंने इनकी जो मेरे को घोड़े पे लेके जा रहे हैं उनकी आईडी देखी, और अब जो है हम आगे का जो रास्ता है वो तय कर रहे हैं बस। और बहुत प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर रास्ते में मिलते जा रहे हैं, और बस उन सबसे जय माता दी करते जा रहे हैं। तो गाइस बहुत ज्यादा प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, बहुत ज्यादा अच्छा व्यू आ रहा है। मैं नीचे की तरफ देखा, मेरा घोड़ा बहुत तेज भाग रहा है, मुझे डर भी लग रहा है, ठीक है। और मेरे आगे है पायल, चीकू, केशव भैया, फिर मैं, देखो सारे आ रहे हैं लाइन से, बहुत मजा आ रहा है। चीकू के पापा का मुझे नहीं पता, वो घोड़े पे आ रहे पैदल आए, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि चीकू के पापा ने पैदल ही आ रहे हैं। जतिन भाई भी थक गए थे, जतिन भाई अपने मुंह से नहीं कह रहे थे कि भाई मेरे लिए घोड़ा कर दो, पर वो है ना हमारे बड़े हैं यार, हमें सोचना पड़ेगा। जैसे गोलू पाल को करवा दिया, चीकू को करवा दिया, पर हम पैदल ही चल रहे। वीर तुम बड़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या हो गया? नहीं 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 तुम जाओ। हाँ क्या करना, रुक के नहीं नहीं चलो चीकू। तो गाइस आधे लोग जो है आगे पहुंच गए, मिल गए हमले, और ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए। अब यहाँ से 5 किलोमीटर हमें चल के जाना है, तो बस अब हम यहाँ से घोड़े जो है यहीं पे स्टॉप करके आगे चल के जाएंगे। तो हमें पीछे जतिन भाई नहीं दिख रहे, तो मुझे लग रहा है घोड़े वाला ना नीचे ना ले गया हो। हाँ भाई क्या बोल सकते हैं भाई, है? भाई ने बोला नीचे छोड़ दे। हाँ, गाड़ियों के पास छोड़ दे, रखवाली कर लूंगा बस की, तो नीचे छोड़ दे भाई। चलो भाई चलो, शाबाश। तो रास्ते में मिले मुझे हमारे साथी पूनम, साथ में चाची जी, नीतू, बाकी भैया सब मिले, तो उन सबको मिल करना बहुत अच्छा लगा। तो उनको पता चला हम घोड़े पे आ रहे हैं और वो सब पैदल आ रहे हैं, तो मिलने का ठीक है आप पहुंचो हम भी पहुंचते हैं। चीकू बार बार कह रहा मुझे घोड़े सुधार दो, घोड़े सुधारो, मुझे पैदल चलना है, पैदल चलना। मैं उसको कह रही हूँ कि बस थोड़ी दूर और चलना, फिर पैदल ही चलना मेरे बाप, अभी चल ले। तो बस अब हम लोग जो है यहाँ पे शायद हमें उतार देंगे घोड़े से, उसके बाद हम लोग जो है सब यहीं पे इकट्ठे होके एक साथ चलेंगे यहाँ। चलो। तो भाई बहुत ज्यादा थक गए हैं भाई, और अब तक हमें जतिन भाई ने दिखे नीचे से घोड़े पे आते हुए। क्या हुआ? उनका घोड़ा ढीर था, वो उनको नीचे ले गया, उसको पागल बनाने के लिए आगे से यूटर्न करके लाए, फिर भी अभी हमसे नीचे ही है वो। तो वहाँ पे जतिन भाई हमें मिल गए हैं। तो गाइस हम पहुँच गए अधकवारी, और जतिन भाई को भी हमने घोड़े से उतार लिया है, और यहाँ पर बैटरी वाले जाते हैं यहाँ से ऊपर, और गोलू और पाल शायद ऊपर है, अभी कॉल करके देखते हैं उनको। तो गाइस फाइनली हम लोगों को कुछ खाने को मिल गया, बहुत देर से ना ढूंढ रहे थे कि कुछ मिल जाए खाने को, उस टाइम कहीं नहीं मिला। तो अभी जाकर हम लोग खा रहे हैं पैटी, जो कि बहुत ही टेस्टी लग रही है, स्वाद लग रही है, सब खा रहे पैटी। बस एक है ना कि हमें ना दूसरी वाली चाय पीनी है, वो जो मतलब कि गैस पे बनती है वो वाली चाय नहीं है, पीछे पी कर आए कॉफी मशीन वाली। तो अभी भैया से पूछे कितना रास्ता रह गया भवन को, तो भैया कह रहे हैं 5 किलोमीटर रह गए, और जितना हम घोड़े से आए थे अर्थक्वारी तक, उतना अर्थक्वारी से भवन का रास्ता है। एक घंटा लगेगा अगर हम हम रुके हैं कॉफी डे बेवरेज पे, और अगर हम कंटिन्यू चलते हैं ना तो 1 घंटे में पहुंचेंगे भवन। तो भैया यहाँ पर पायल मिल गया मुझे। हाँ जी। और घोड़े पे भेजा था बच्चों को यार, आप नहीं आया, हमें लगा आप भी पीछे आ रहे हो। कोई नहीं, मैं पैदल आया फिर भी। तो अब ऊपर हम चढ़ाई करेंगे अब। चलो तो फाइनली भैया हमारी पूरी टीम मिल चुकी है, और जोर से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, जल्दी आ जाओ आगे। तो जतिन भाई को घोड़े से उतार दिया हमने, और जो अधकवारी के बाद का जो रास्ता ना वो बिल्कुल समतल है, ज्यादा चढ़ाई नहीं है, और आराम से चढ़ा जा रहा है। आप इस वहाँ पे फुल चढ़ाई थी, फुल। तुझे घोड़े पे बैठी थी, फालतू मत बोल। तो पता नहीं चला ना घोड़े पे बैठ के चढ़ाई का अंदाजा नहीं हुआ। ये सही है भाई पायल, ये सही है पायल। नहीं नहीं तू बैठ, बस तू बैठ। पायल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बैठ देख ले। मेरे को नहीं बैठता, थकी नहीं ना अभी, प्लेन रास्ता है ना। एक्चुअली क्या है ना गाइस, थोड़े टाइम पहले ही सर्जरी हुई थी ना, तो मेरे बैक में पेन हो रहा है, तो मैंने सोचा कि और ज्यादा पेन ना हो, नहीं तो घर जाके ना बच्चों को भी देखना होता है, सब कुछ काम भी होता है, तो फिर इसलिए मैंने थोड़ा रेस्ट ले। तो गाइस चीकू के पापा ना पूरे रास्ते चलकर आए खुद से पैदल। मुझे इस चीज का शक हो रहा था कि ना कहीं ये घोड़े पे ना आ रहे हो, पर फिर जब देखा तो पता चला कि नहीं, ये पूरे रास्ते पैदल आए। कहाँ गए? हाँ जी बहुत बढ़िया, जोर से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।
पायल ऐसे लग रहा है घर में बुजुर्ग बैठा हुआ है हाँ, दूर से। तो गाइस यहाँ पे ना सारे जितने बंदर है ना सबको इतनी जबरदस्त ठंड लग रही है ना, सारे चिपक के सो रहे हैं। देखना कैसे कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो गाइस छोटे छोटे बंदर अपनी मम्मी से चिपक के सो रहे थे, वरना सच में बंदर को अगर छेड़ू ना पीछे पड़ जाते हैं, बंदर से बहुत डर लगता है मुझे। एक बार की बात है अपने मैं अपने पापा मम्मी के साथ हनुमान के मंदिर गई थी, याद नहीं आ रहा, शिमला में गई थी, वहाँ पे मैंने चश्मा लगाया था, बंदर आया चश्मा छीन के मेरे को यहाँ पे चोट भी लगी थी, भाग गया। तो गाइस अभी बच चुके हैं सुबह के 4:30 और अभी जहाँ पे हम है वहाँ से रह गए 3 किलोमीटर भवन बस चले जा रहे हैं, माता जी का नाम लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे देखो सुनो इसकी एक कहानी होती है, मैं बताती हूँ आपको, मैं कोई पता थी कहानी पे। कहा जाता है कि जो यहाँ पे अपना घर बना के जाता है ना उसका घर बन जाता है। बना दो घर चीकू, तू भी बना दे बेटा, बनाओ बनाओ अपना अपना घर। ये वाली जो कोठी है ना ये बनाई है और बहुत सारी कोठियां बनी हुई है यहाँ। तो भाई चढ़ चुके हैं बस, और 3 किलोमीटर रह गए, अब बस पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में, और मतलब 1 घंटा और लगेगा। एक मैंने तो बैग भी टांगा हुआ है पीछे, हमारा बैग था, ने बैग भी टांगा, भैया सारे पीछे ने बैग भी टांगा हुआ है। तो बस अभी क्या हमने बीच में ना पैटी खा ली थी, चॉकलेट खा ली थी मैंने थोड़ी सी, तो थोड़ी सी एनर्जी है। तो बस अब चढ़ रहे हैं और पहुँचते आपको बता दे टाइम किस टाइम पे हम पहुँचेंगे। और हम 500 मीटर चल चुके हैं और जो है यहाँ पे गोलू अरमान जी और मेरे पीछे कौन कौन है वो आपको दिख ही गया होगा। तो बस अब पहुँच रहे हैं, जल्दी से पहुँच जाए बस और आरती ले लें। ठीक हूँ ना, सबसे पूछते जा रहे हैं कितना रह गया कितना रह गया, ऐसा नहीं होता जब एंड टाइम रह जाते तो हमारे को एक्साइटमेंट होती है माथा टेकने की, तो मतलब लास्ट का टाइम नहीं बीतता तो हम पूछते हैं कितना रह गया कितना रह गया। क्या क्या बेटे थक गया? नहीं थका, अभी भी बोल रहा है नहीं थका। यहाँ पे पायल के लेसेस खुल गए थे तो वो शिकु बाबा लेसेस बांध रहे हैं। मम्मी हाफ में सांस आ रही होगी, सांस से आई होगी, मैं हाफ रही हूँ क्योंकि थकावट हो रही है बहुत ज्यादा। तो पायल ने दूसरा पैर भी अपना आगे कर दिया है कि दूसरे के बांधो, दोनों खुल चुके हैं। बहुत प्यार करते हैं इतने थके हुए, इतने थके हुए और ये 1 मिनट भी नहीं बैठे, मतलब हल्का फुल्का जो हमने बिठाया वो बैठे हैं और ये फुल चल के आ रहे हैं। फिर भी देखो अपने ग्लव्स निकाल के गोलू को पकड़ा के मेरे जूते लेसेस बांध रहे हैं। तो यहाँ पे चीकू के लेसेस बांध रहे हैं ना पूरे, चीकू के खोल दिया, चीकू ने जान के खोले कि पापा मेरी लेसेस भी बांध दो क्योंकि दिख रहा है ना कि पापा पायल के बांध रहे हैं, तो पापा को फूल थका दिया है, पायल की पापा की पापड़ी बन गई है पापड़ी। तो बहुत ज्यादा थक गए हैं भाई, एक तो ठंड बहुत ज्यादा है। पहले के जमाने में ऐसे नहीं करते थे, रात को जागते मतलब जागते रहे कर रही थी, फिर पीछे से टूट गया यार। बच्चे को लग जाएगी आँख भी लग जाएगी बेटा। तो भाई साहब पता नहीं बोलते हैं ना कि आखिरी जो टाइम होता है वो मुश्किल होता है निकालना, आखिरी टाइम गुडू आखिरी टाइम मुश्किल होता है निकालना, आखिरी वो थोड़ा सा टाइम रह गया ना भवन आने वाला है वो गैरेज में। तो पिछले आधे घंटे से चीकू मुझसे पूछ रहे मम्मी कब आएंगे, और इसका आधे घंटे से ये बोल रही है आधा घंटा ऐसे ही बोलते, जैसे आधा घंटा का अभी 5 मिनट में खत्म नहीं हुआ, बोलते नहीं है जब किसी से पूछो कितना रह गया, बस बस आगे मोड़ पर है, मोड़ पर है मोड़ पे है, हाँ मोड़ पहुँचने वाले है। हाँ तो बस गाइस अभी देखो 2 किलोमीटर शायद हम 1 किलोमीटर चल चुके हैं, 2 किलोमीटर और रह गया। तो 2.75 दिखा रहा था हमने, कितने 25 किलोमीटर चले अब सीढ़ी नहीं है, कितने अब हमें 2.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 10 किलोमीटर तो आ चुके हैं। हाँ चलो 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 न्यू टेक्निक है निंजा टेक्निक, ठीक है चलो ठीक है चलो पता ही चलेगा, चलो ठीक है सारा ठीक है चलो ओके ऐसे ऐसे सांप की तरह चलना है हमको, सांप की तरह। तो चीकू यहाँ पे बहुत ज्यादा थक चुका है बेटा, बेटा तेरा थोड़ा सा पीछे हो जाओगे तेरा दिखा दूँ, 2.5 किलोमीटर अभी भी रह गया है। हाँ कितना होता है ये, 1.25 हाँ 1.25 रह गया, तो 2.25 मीटर रह गया, मैं भूल गई थी क्योंकि मेरे को ना 2.5-1.5 किलोमीटर इन सबका थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इंग्लिश में आता है हिंदी में थोड़ा हार्ड टाइट है मेरा। तो गाइस बस पूरे 2.5 किलोमीटर रह गया और देखो आगे जाने का ना यही फायदा रहता है, तुम पीछे बैठ के ना आराम से वेट कर सकते हो, पीछे बैठ के सॉरी आगे आके, आजकल पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। आंटी जय माता दी, जय माता दी। तो गाइस पीछे मैंने नजर डाली और देखा कि ना वहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही पीछे जाने की, मैंने कहा कोई बात नहीं मैं यहीं बैठ के वेट करती हूँ, आना तो उनको आगे ही है। तो बस अब 4:50 हो गए, 4:50 हो गए, मुझे लग रहा है नेक्स्ट 15-20 मिनट में हम पहुँच जाएंगे भवन के पास, और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं हम लोग, 1 बजे के करीब निकले थे और देखो अभी टाइम क्या हो रहा है, एकदम सही ट्रैवल करा हमने है ना, सही चढ़ाई चढ़ी है, सब सारे लोग हमारी जितनी भी टीम थी पूरी 25 लोगों की ना सारे एकदम बढ़िया तरीके से आए हैं। तो गाइस हमें यहाँ पे मिले बहुत प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, तो उनके साथ हम रुक चुके हैं और फोटोज करवा रहे हैं, और आंटी कह रही है हम लोग टीवी में देखते हैं आपको आज पहली बार देखते हैं। तो गाइस सुपर ना 6 बजे आरती है, तो ये कह रहे हैं थोड़ा स्पीड अप करो, आखिरी 2 किलोमीटर रह गए, कम से कम
अगले मोड में तो घूमना रहेगा। अरे अरे पता है मैं कितनी आगे चली थी वापस आई तुम्हारे साथ करने। फाइनली पहुंच गए हैं। बस गाइस भवन के कुछ पहले है, लगा लो एक से डेढ़ किलोमीटर रह गया होगा, उसके बाद करेंगे माता जी के दर्शन। हाँ डेढ़ किलोमीटर रह गया पीछे था, 1.70 तो डेढ़ तो रह गया होगा। जयकारा शेर वाली का बोल सचे दरबार की जय। देखो भैया माता रानी के आशीर्वाद से हम पहुंच तो गए, नीतू और लखन हमसे थोड़ी सी आगे हैं, वो भी हमसे बहुत फास्ट है। और यहाँ पे हमारी एक आंटी जी मिली हैं जो देख लो हमारे फादर साहब मदर साहब की उम्र के हैं, और ये वैष्णो देवी पहली बार आए आप, शक्ति दी माने आपको ऊपर चढ़ने की, शक्ति दी तभी तो चल रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, अपने आप से तो चल नहीं रहे हैं। माता चढ़ा रही है, माता चढ़ा। तो भाई हम भी चढ़ गए हैं, माता रानी ने बहुत शक्ति दी। 750 मीटर वेरी गुड, पहुंचने वाले हम, पहुंचने वाले यात्रीगण अपनी स्पीड बढ़ाएं। अरमान जी फॉलो मी, सिर्फ 3 मिनट का रास्ता। बोल सच्चे दरबार की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी, 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 जय माता दी। तो बस 500 मीटर रह गए और पहुंचने वाले हैं मैया के दरबार में। दो दो डस्टबिन है वाला इधर, और कंधे पे आ जाओ ऐसे, हमारे कंधे पे आ जाओ। एक चीज बताऊं, वैसे भी इस पे लिखा होता है ना यूज्ड मी। मैं बताती हूँ क्या हुआ था, चीकू ना उस पे बैठा हुआ था स्टॉलर में, तो चीकू स्टॉलर में बहुत तेज से भाग रहा था, तो होता है ना बाप को टेंशन होती है क्योंकि हम तो पीछे थे, तो चीकू के पापा को टेंशन होती है कि कहीं बच्चा इधर उधर ना हो जाए ना, बच्चा छोटा है फोन नहीं है, तो उसके साथ साथ भाग रहे थे, तो कम से कम 2 किलोमीटर ये इतनी तेज स्पीड में भाग गए, बहुत ज्यादा दर्द होगा, कोई नहीं 500 मीटर। गोलू ने मुझे बोला था जब हम वहाँ से आए भी थे ऊपर, क्योंकि रास्ते में ना राजमा चावल मिलते हैं, कड़ी चावल मिलते हैं, ये मिलता है वो मिलता है, मिलते हैं गाय सुबह के टाइम मिलती है, डे टाइम भी मिलते हैं गाइस। मैंने आज मैं जब भी आई हूँ डे टाइम में ट्रैवल करा है तो मैंने खाए ऐसे, मुझे याद है कि मिलते हैं क्या वो आगे मिलेंगे आगे ले रहे। तो दरबार से कुछ क्षण दूर है हम लोग, और ना बस एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है कि माता रानी के दरबार में जा रहे हैं मत्था टेकने के लिए, पूरी टीम पीछे है। अरमान जी एक बार थक गए थे पर फिर दोबारा हिम्मत करी कि नहीं पहुंचने वाले हैं, और बिल्कुल सामने है माता का भवन। तो हम लोगों ने जो अपना सफर है कब किया बता देती हूँ, हम रात के 1 बजे चले थे और अभी 5:15 हो गए हैं, हम यहाँ भवन के बिल्कुल सामने है, तो टोटल कितना टाइम हुआ पहले, 1 से 5 पहल। जय माता दी, जय माता दी, नींद आ रही बहुत जोर। अरे सब हमें थोड़ा थोड़ा सहारा तो मिल गया था भैया, घोड़े पे आ गए थे ना, आधा सफर घोड़े पे करा आधा हम चल के आए, उसमें भी कमर तो दुख जाती है। हाँ ये तो है, ये तो है, हाँ ये पैदल आए हैं, हमारी नीतू भी पैदल आई है भाई, पूनम भी, सारी हैं, चाची जी भी। हमारी नीतू बहन ने बहुत ही मेहनत से चढ़ाई की और थोड़ा सा थक गई है, और मैंने भविष्यवाणी की थी कि 5 से 7 लोगों की तबीयत खराब होगी, होगी तभी तो खराब होगी। सीढ़ी भी से भी की गई थी, सीढ़ी से ज्यादा मुश्किल होता ना थोड़ा ऊपर चढ़ना, सीढ़ी की वजह से मेरे यहाँ पर दर्द होता है। तो यहाँ पर आ गई है हमारे लिए चाय और साथ में आए हैं मॉम्स मैजिक के बिस्किट, बड़ी तेज भूख लग रही थी और मेरा मन कर रहा है कि कुछ और भी खाने का, भैया कुछ और भी देख लो ना, कुछ और भी देख लो है, कुछ और मिलेगा कुछ और, तो बाकी अभी सारे वो बंद हो रहे, सारे काउंटर बंद हो रहे, मेरा बड़ा मन कर रहा है राजमा चावल खाने का, कुछ रोटी खाने का, सब्जी खाने का, तो पाल करी मैं जाकर देख के आती हूँ क्या हो गया, पैर सो गया इसका, जगाती हूँ एक मिनट जा, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, उठ क्या उठ गया, उठा क्या, हाँ जी खा रहे हो बिस्किट, अब बिस्किट खा रहे हो। तो सुबह के 6 बज चुके और सच में गाइस इतनी ज्यादा ठंड हो रही है ना, मतलब मेरे हिसाब से ना टेम्परेचर होगा -2 डिग्री टेम्परेचर है, इनसे पूछा क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं है, और बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। पायल और सूरज भैया गए हैं ब्लैंकेट ढूंढने के लिए क्योंकि ना हम लोग ना जमीन पे बैठे हैं, चीकू को तो यहाँ पर ना क्या बोलते हैं जैकेट भी पहना दी है, बिछा दी है, बट अभी क्या ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। बेटा एक काम करूँ, मेरे पास एक जैकेट एक्स्ट्रा पड़ी है, दे दूँ, पहनेगा, स्वेटर है, स्वेटर है, पहनेगा ना दूँ। तो हमने ये बहुत अच्छा करा जब
घर से निकल रहे थे ना होटल से, तो मैंने अपने लिए पालने और जैकेट रख लिए, क्योंकि ना पता था कि बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, ठंड लगेगी, सॉक्स भी एक्स्ट्रा रख लिए, तो अभी इसको पिला देती जैकेट। तो बहुत ही मुश्किलों से यहाँ पे हमें ब्लैंकेट मिल गया, फाइनली ब्लैंकेट मिल गया, ठंड से चीकू को बचा दिया, पूरा कवर कर दिया। चीकू सही लग रहा है, अभी ठंड लग रही है, ब्लैंकेट अच्छे से ओढ़ बेटा, ब्लैंकेट ओढ़। तो यहाँ पे सैंडविच भी आ गए हैं, थोड़ी देर हम सब लेट रहे भाई, खाएगी तू? सब सब जितने भी हमारे भक्त है ना, जिनको माता के दरबार में दर्शन करने, सब लेटे हुए यहाँ पे। तो गाइस अभी अभी दर्शन करके आ चुके हैं और बहुत ज्यादा थक गए हैं, बस अब ये है कि फटाफट नीचे उतरें, थोड़ा आराम करें और उसके बाद निकलें चंडीगढ़ की तरफ। तो गाइस बहुत ही बढ़िया दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा। बस अभी क्या अपना हमने सामान कर दिया पैक, जो भी सामान लेकर रहते हैं सब कुछ हो गया पैक। जो गीली सॉक्स थी ना मैंने और पायल ने, उसको पन्नी में डाल के हम सब ने नई नई सॉक्स पहन लिए दोबारा। कैसा लगा? अच्छा लगा। दर्शन करके मजा आया? बेटे को नींद आ रही है? तो जितना हम लोग चल के आए ना, सेम चीकू उतना चल के आए, ठीक है हम लोग तो बड़े हैं, देखो हर चीज झेल सकते हैं, पर ये तो छोटा बच्चा है। हाँ 16 घंटे हो गए चीकू को जागते हुए, लगा लो हम 7:30 बजे उठे थे, थोड़ी देर सोए थे, तो अभी लगा लो अभी टाइम है 10 बज गए, तो सीधा सीधा लगा लो 12-16 घंटे हो गए पूरे, एक मिनट भी नहीं सोया। तो भैया यहाँ पर हमने ले ली है हेलीपैड की टिकटें, हेलीकॉप्टर की टिकट होगी हमारी पूरी टीम की, तो यहाँ पे टिकट है 6, 7, 8 मतलब 10 लोगों की पूरी टिकट हो गई है, और टाइमिंग है रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे, तो हमें 11 बजे तक पहुँचना है। चले चलो चले सांझी छत हेलीपैड। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सांझी छत पर, और हम लोगों ने पकड़ लिया है सीढ़ियों का रास्ता, क्योंकि ना जब हम नीचे जा रहे थे ना तो लग रहा था कि बड़ा आसान है, क्योंकि कुछ रास्ता ऊपर, कुछ चढ़ाई था, कुछ उतराई था, अभी ना उतराई चढ़ाई भी हो रहा है, तो समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा था मुझे। तो हमने पकड़ ली सीढ़ी का रास्ता गाइस, मैं आपको घर जाके पूरी ना डिटेल दूंगी अच्छे से क्या हुआ था, क्योंकि ना थोड़ा सा टांगों की बैंड बज चुकी है, हड़बड़ा रही हूँ मैं, हड़बड़ा रही, हड़बड़ा रही हूँ। दरबार व्हाइट कलर का, हाँ वो बहुत सुंदर लग रहा है, तो गलती है तो माफ करियो माता रानी। अच्छा प्लीज आप एक बात, हाँ। एक बात समझा दो, मैं समझा नहीं भाई, हम ऊपर आ रहे थे उड़ाई और उसी चढ़ाई, क्या हो रहा था वो चढ़ाई, अब दोबारा चढ़ाई हो रही है। चलो तो बोलते हैं ना कि सीढ़ी से शॉर्टकट होता है, तो हमने शॉर्टकट अपना लिया, हमने कहा हम नहीं चढ़ सकते, अच्छा यही रास्ता है, हाँ। तो गाइस यही रास्ता है, बताओ मेरे को तो पता नहीं था कुछ, चलो कोई बात नहीं, मेरे को सीढ़ी चढ़ना फिर भी सही लग रहा है वो चढ़ाई से। तो चीकू आगे बंदर मिलेगा? तो पीछे ना मुझे एक अंकल मिले, काफी एजेड अंकल थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी ना एज कितनी है, उन्होंने बोला मेरी उम्र 60 साल है, और वो ना बच्चों का स्टॉलर लेके चल रहे थे जो प्रैम्प होता है, तो मतलब हिम्मत है उनकी कि हम देखो मैं 30 ईयर्स की हूँ उनसे आधी उम्र की, और उसके बाद ही मैं थक रही हूँ, शर्म आनी चाहिए मेरे को, बट वही है ना गाइस आदत की बात है, तो वैसे शरीर आपकी हैबिट बना लेता है। तो सीढ़ी का रास्ता पकड़ लिया हमने, और सीढ़ी का रास्ता इतना लंबा है, हम सोच रहे हैं कि सीढ़ी का रास्ता कब खत्म होगा सारे। वैसे सबसे ज्यादा आसान होता है सीढ़ी उतरना, सीढ़ी चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सांस चढ़ जाती है ना, पिलर खड़ा रहे होते हैं भाई साहब। माता रानी भाई नहीं बुलाती ऐसे किसी को, जिसके अंदर थोड़ी जान हो ना उसी को बुलाती है। और देखो ना माता रानी ये थोड़ी कि हर टाइम बुला लेती है, जब किसी की किस्मत हो, चाहे वो 10 साल में एक बार खुले, चाहे हर साल भी खुल सकती है, तभी बोलते हैं जब बुलावा आया है माता ने बुलाया, चलो बुलावा आया है। अच्छा 200 सीढ़ी उतरी है, तो हेलीपैड के लिए भी हमें 3-4 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, अभी भी 2 किलोमीटर बचा है, 2 किलोमीटर। तो यहाँ पर लंगूर बंदर जी बैठे हैं। हेलो जी, हेलो। तो गाइस फाइनली 300 मीटर रह गया, वो रहा हेलीकॉप्टर आ रहा है, देखो 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 ये रहा। तो बस 300 मीटर रह गया और हम लोग पहुंचने वाले हैं सांझी छत, और फिर बैठेंगे हेलीकॉप्टर में और आएंगे आराम से, बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैं बैठने वाली हूँ पहली बार हेलीकॉप्टर में, पहले नहीं बैठी क्योंकि एक बार पहले बैठी थी स्काई डाइविंग में, बट वो हेलीकॉप्टर नहीं था प्लेन था, तो सांस चढ़ रहा है क्योंकि ना ऊपर की तरफ चढ़ रही हूँ ना। जय माता। तो हालत भैया फुल टाइट हो गई है, बहुत ही ज्यादा शक्लें देख लो। अरे सड़क प्लेन होना तो समझ आता है, थोड़ा ऐसे रास्ता है ना, तो क्या दर्द हो रहा है, अपना बच्चा का बच्चा गया। तो यहाँ से गोलू और पायल फ्लाइट में जाने वाले हैं, और फ्लाइट 4 मिनट की है, सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट फ्लाइट है आज तक की, सबसे छोटी फ्लाइट में बैठेंगे। मैं पायल विजेंद्र भैया का नंबर पहले लगा है, तो मुझे बोला कि ना चुन्नी साइड पे बांध दो, चुन्नी बांध लिया, और हाँ जैसे फ्लाइट में होता है ना अपनी बेटी बांध लो, यहाँ पे पायल जी है, जाओ भाई जाओ, ठीक है ये 4 मिनट में नीचे पहुँचा देते, कितना टाइम लगता है दादा, 4 मिनट? सबसे छोटी फ्लाइट में जा रहे हो आज तुम, डर लगा गोलू तेरे को, है
क्या? तू तो 10,000 से ऊपर कूदी भी थी। अच्छा फिर भी ऐसे जैसे बैठी ऐसे अचानक कान बंद हो गए थे। चल अबे भूख लग रही है। आप आगे बैठे थे पीछे? पीछे पायल तो आगे बैठी थी फुल। मैं और विजेंद्र भी आगे थे। तो गाइस वैष्णो देवी में हॉलीडे इन है और सर्विस बहुत ही अच्छी लगी हमें। मतलब टाइमिंग हो गया था, अभी अगर बात की जाए तो 12 बजे हुए, उसके बाद भी ये ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और वो भी ताजा बनवा के बिल्कुल बना के दे रहे हैं। तो इनको पता था कि हम ऊपर गए हैं, फिर भी मतलब इतना कोऑपरेट किया, बिल्कुल भी नखरे नहीं की कि सर आप बैठो हम आपके लिए ताजा खाना बना दें। मैं ना अभी जो ठंडा खाना था वो लेती क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। मैं कोई बात नहीं, फूड फूड होता है। और उन्होंने बोला मैम आप बिल्कुल भी ऐसा मत करो, मैं खाने को गर्म करवाता हूँ और गर्म सर्व करता हूँ। वेरी गुड। चुको आप क्या खाओ बेटा? बाबू मैं खाऊंगा कपकेक। यार मीठा बहुत खाता बाबू तू। बंद करेगा कब तक? आज। तो भैया यहाँ पर आ गए ताजे ताजे पराठे और साथ में मैंने थोड़ी कर्ड मंगवाई। तू क्या खा रहे बोलू? छोले भटूरे, आलू के पराठे, वामसिली, सब कुछ। और उसके बाद कितने घंटे की नींद लेने वाली है? मैं लेने वाली हूँ बहुत लंबी नींद। ना मैं आज फिक्र कर रही हूँ अपनी डाइट की, ना मैं फिक्र कर रही हूँ अपनी नींद की। मैं खाऊंगी जी भर के। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार, बाय बाय, ध्यान रखो, सेफ रहो। बस अब सोएंगे, बेहोश हो चुके हम बस।